अंबाला कैंट में ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जीएसटी जागरूकता वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में व्यापारियों को जीएसटी के प्रति किया गया जागरूक। जीएसटी से जुड़ी हर तरह की दी गई जानकारी व्यापारियों को नहीं समझ आ रही है जीएसटी, इसमें सरकार के नुमाइंदों के साथ व्यापारियों ने रखी अपनी समस्या। जैसे एक नवजात शिशु को भी समझने में समय लगता है, ऐसे ही जीएसटी को भी समझने में समय लग रहा है। जीएसटी इतनी भी जटिल नहीं है कि समझ ना आ सके। डीईटीसी सुरेंद्र कुमार व उसके अफसर व्यापारियों की हर समस्या के लिए 24 घंटे तैयार रहने की बात की। अंबाला कैंट के एक निजी पब्लिक स्कूल में ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जीएसटी जागरूकता वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक किया गया। इसमें व्यापारियों को जीएसटी में आ रही दिक्कतों के बारे में सरकार के नुमाइंदों से बात की गई। बता दें कि व्यापारियों को अभी तक जीएसटी समझ में नहीं आ रही, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत जीएसटी में न आए, इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीईटीसी सुरेंद्र कुमार ने शिरकत की। कोविड 19 को देखते हुए इस वेबिनार में सीमित व्यापारियों ने ही हिस्सा लिया। प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, उसके बाद मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। इस मौके पर ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला ने कहा कि ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर सभी की सुनी जाती है। व्यापारियों की निदान के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि आज काफी कुछ जीएसटी की समस्याओं का निदान हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जैसे एक नवजात शिशु को भी समझने में समय लगता है, ऐसे ही जीएसटी को समझने में भी समय लग रहा है। समय आ जाएगा, इतने भी जटिल नहीं है कि समझ ना आ सके। जीएसटी के निदान के लिए ये रखा गया है, आज का प्रोग्राम हो रही है ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। आयोजन इसका किया गया है, जैसा कि आप सभी मीडिया बंधुओं को हमने पहले ही बताया कि ये एक व्यापारियों का संगठन है, और जो भी व्यापार से जुड़ी हुई समस्या किसी भी व्यापारी को आती है तो वो एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर सभी की सुनी जाती है। तो ये व्यापारियों की तरफ से काफ़ी समय से दिक्कत आ रही थी, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये आगे जीएसटी का हमने सम्मेलन रखा है, और इसके अंदर यही एक हमारी उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आज इससे जीएसटी की समस्याओं का निदान हो जाएगा। अगर इसके अंदर कुछ बाकी भी रहता है तो उसके लिए ये संस्था बिल्कुल प्रेरित है और सदा काम करती रहेगी। अभी एक मैंने भी यहीं पर ये सभा में बात सुनी कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको थोड़ा सा बड़ा होने में टाइम लगता है, जैसे कि सेल टैक्स था, फिर अपना वैट आया, तो उसको भी समझने में समय लगा। तो जीएसटी को भी समझने में समय लग रहा है, लेकिन इतना जटिल नहीं है कि समझा ना जा सके। तो इसी चीज़ के लिए हम ये उद्देश्य है हमारा, और जो आज हमने वेबिनार रखा है इसी चीज़ के लिए रखा है। और कोरोना काल है, थोड़ा सा इसके अंदर मजबूरियाँ हैं कि हम ज़्यादा व्यापारी नहीं बुला सकते, लेकिन आज हमने एक वेब के जरिए भी एक लॉन्च करी है, उसके जरिए भी आज एक सीधी बात कोई भी व्यापारी कर सकता है। वेबिनार जो देखी को लेकर आज हुआ है बहुत कारगर हुआ, और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इससे पहले भी जहाँ तक हमारे ऑफिस के कार्य को लेकर कोई बात है तो 24 घंटे, हालांकि लोग बात करते हैं 2 घंटे या 1 घंटे की बात, मैं तो 24 घंटे का आश्वासन दूंगा कि किसी भी व्यापारी साथी को, भाई को कोई जरूरत है तो मैं और मेरे अफसर 24 घंटे अवेलेबल हैं। किसी भी कार्य दिवस में या छुट्टी के दिन भी अगर ये लोग मेरे पास अपनी समस्या की जाएंगे तो हम उनका निराकार, ऑन द स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कारणवश नहीं हो सकता तो उसको हम ऊपर तक, उचित माध्यम तक लेके जाने का प्रयास करेंगे।